गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग आगे पढ़ते हैं विलयन चैप्टर को। पीछे हम लोग जो है नार्मलता, मोलरता, मोलंता और मोल अंश या मोल प्रभाव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग विलयन में आगे पढ़ते हैं विसरण, या इंग्लिश में इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो विसरण या डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो विलयन में जो विसरण टॉपिक है या डिफ्यूजन टॉपिक है, इसका मतलब क्या है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी विलायक के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट यानी किसी विलायक में अगर हम लोग किसी विलेय को डाल देते हैं, यानी सॉल्यूट को डाल देते हैं, तो सॉल्यूट को डालते हैं तो विलेय की सांद्रता यहां पर ज्यादा होती है। तो विलेय की सांद्रता जहां ज्यादा होती है तो विलेय के कण धीरे धीरे विलायक में फैलने लगते हैं, और फैलने के बाद जो है ये पूरा समांगी विलयन बना लेते हैं। तो इसमें परिभाषा दी गई है, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना ही विसरण कहलाता। तो विसरण का तात्पर्य है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। यानी विलेय के अणु जब, या विलेय के कण जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो यही प्रक्रिया जो है विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। तो विसरण की प्रक्रिया में बस क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कण गति करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे रंग का टुकड़ा अगर जल में हम लोग डाल दें, कोई रंग का टुकड़ा लें और उसको जल में डाल दें, तो धीरे धीरे रंग से, रंग के जो कण होंगे वो धीरे 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 पूरे जल में फैल जाएंगे, और जल में फैल करके पूरा जो विलयन बनेगा वो रंगीन हो जाएगा, और रंगीन होने से ये पूरा समांगी हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल लिखा गया है, रंग का टुकड़ा जल में डालने पर थोड़ी देर में विलयन रंगीन हो जाता, क्योंकि रंग का टुकड़ा जब डालेंगे तो वहां रंग के टुकड़े की कणों की सांद्रता ज्यादा होती है और जल में सांद्रता कम होती है। तो धीरे धीरे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर रंग के टुकड़े जो होते हैं उनके कणों की गति होती है, और पूरे जल में यानी पूरे विलायक में जो है रंग के टुकड़े फैल जाते हैं और बराबर सांद्रता में फैल जाते हैं, और पूरा विलयन रंगीन हो जाता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि विसरण क्या होता है, विसरण में क्या होता है कि विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। तो क्लियर हो गया है परिभाषा कि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना ही विसरण कहलाता है। तो विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि विलेय के कण विलायक में स्वतः गति करते हैं, और गति करके अंततः फाइनली जो है एक समांगी विलयन बना करके तैयार कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया जो होती है डिफ्यूजन या विसरण कहलाती है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं परासरण या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। अभी तक तो हम लोग देखे कि डिफ्यूजन या विसरण किसे कहते हैं, अब हम लोग देखते हैं परासरण या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो परासरण की क्रिया क्या होती है या किसे कहते हैं, तो इसे देखते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। यानी ये विलयन तनु है और ये विलयन सांद्र है।
और दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, यानी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और यहाँ पर शुद्ध विलायक है और इधर विलयन है, और दोनों के बीच में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन ये है और इधर सांद्र विलयन है और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, तो इसमें भी विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा और यही प्रक्रिया जो होती है परासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि विलायक का प्रवाह जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के क्या होता है शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होता है, या विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। यही प्रक्रिया जो होती है उसे को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है कि पूरी बात एक लाइन में समझ लेते हैं कि अगर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हो और एक तरफ शुद्ध विलायक हो और एक तरफ विलयन हो तो विलायक का जो प्रवाह होगा वो विलयन की ओर होगा। यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है परासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। या तनु विलयन हो और एक तरफ सांद्र विलयन हो, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हो यानी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन लगी हो, तो तनु विलयन से विलायक का प्रवाह जो है सांद्र विलयन की ओर होगा, तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है ऑस्मोसिस यानी परासरण कहलाती है। तो परिभाषा हो गया विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, यानी शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, यानी जो ये विलायक का प्रवाह है इसी प्रक्रिया को ही हम लोग ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे परासरण, तो परासरण हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि परासरण की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर होता है, या तो विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। अब देखते हैं परासरण की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। परासरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। तो पहला प्रक्रिया है वह है परासरण या बाह्य परासरण, जिसको इंग्लिश में इक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं परासरण की पहली प्रक्रिया जिसको बाह्य परासरण या इक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया होती है अंतः परासरण या इंडोऑस्मोसिस उसको कहा जाता है। तो पहले हम लोग इक्सोऑस्मोसिस देखते हैं, उसके बाद इंडोऑस्मोसिस देखेंगे। तो इक्सोऑस्मोसिस क्या होता है उसको देखते हैं कि इसके लिए अगर हम किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, अगर कोई कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो, फॉर एग्जांपल में अगर शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी का गाढ़ा घोल, तो अगर चीनी के गाढ़े घोल में अंगूर को डाल दिया जाए तो इसमें जो है बाह्य परासरण की प्रक्रिया होती है। कैसे बाह्य परासरण की प्रक्रिया होती है जरा हम लोग देखते हैं कि ये चीनी का गाढ़ा घोल है यानी कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है यानी सांद्र विलयन है यानी गाढ़ा विलयन है। ये विलयन कैसा है गाढ़ा है और किसका है चीनी का गाढ़ा घोल है, चीनी का गाढ़ा विलयन है। अब इसके अंदर अगर हमने ग्रेप रख दिया, अंगूर को रख दिया, तो अंगूर की जो ये बाहर की झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है यानी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये अंगूर के बाहर की झिल्ली जो होती है वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती का कार्य करती है, और इसको डाल दिया गया है शुगर सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन यानी गाढ़े शर्करा के विलयन में डाल दिया गया। तो क्या होता है धीरे धीरे इसमें से जो विलायक होगा, विलायक का मतलब जो अंगूर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें
जो जल होता है वो धीरे 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 बाहर निकलने लगता है, क्योंकि बाहर जब निकलता है तो यही प्रक्रिया बाह्य परासण कहलाती है। और जब बाह्य परासण होता है तो अंगूर के अंदर जो जल होता है वो धीरे 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 बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर की सांद्रता अधिक है, बाहर की सांद्रता अधिक है और इसके अंगूर के अंदर की सांद्रता कम है, तो धीरे धीरे विलायक क्या होता है बाहर निकलने लगता है, यानी जल बाहर निकलने लगता है और कुछ समय के बाद अंगूर जो है सिकुड़ जाता है, यानी श्रिंक कर जाता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तो यहाँ पर अंदर विलयन जो है अंगूर के अंदर का जो विलयन है वो तनु विलयन है, तनु विलयन है, और बाहर जो है सांद्र विलयन है। तो विलायक का प्रवाह तनु से सांद्र की ओर होने लगेगा, और तनु से सांद्र की ओर जब विलायक का प्रवाह होगा तो पानी इसमें से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और अंगूर अंत में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब यहाँ पर विलायक का प्रवाह जो है क्या हुआ, बाहर की ओर हुआ है, इसीलिए इस प्रक्रिया को बाह्य परासण या इक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। इक्सोऑस्मोसिस के कारण ही अंगूर जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हाँ, तो इसी वजह से इसमें जो है बाह्य परासण हुआ है। तो इसमें देख लिया जाए एक लाइन पढ़ करके, अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर, अंगूर को हम लोग चीनी का गाढ़ा घोल में डाले हैं, यानी चीनी का घोल मतलब सुगर सोल्यूशन, और भी गाढ़ा मतलब कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सोल्यूशन है। चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर अंगूर की बाह्य कोशिका परत, अंगूर की जो बाहरी कोशिका परत होती है यही अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। परत के अंदर से विलायक, यानी इसके अंदर से जो जल होता है विलायक के रूप में जो जल है के अणु बाहर आ जाते हैं और अंगूर सिकुड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया में ही बाह्य परासण की प्रक्रिया के ही द्वारा अंगूर से पानी जो है धीरे धीरे बाहर निकल गया है और अंगूर जो है श्रिंक कर गया, अंगूर सिकुड़ गया। हाँ, तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे परासण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। तो पहला हम लोग जो है बाह्य परासण पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम लोग देखते हैं अंतः परासण। अंतः परासण या इसको इंग्लिश में इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं कि अगर हम लोग जल लें जिसको हम लोग विलायक मानते हैं, तो ये जल है अगर इसमें सूखी किशमिश डाल दिया जाए, यानी किशमिश डाल दिया जाए, सूखी तो होती है, किशमिश डाल दिया जाए जिसको हम लोग डाइट रेजिन कहते हैं, अब इसमें डाल दिया जाए तो अब देखते हैं बाहर जो है विलायक है, बाहर जो है विलायक है, अब ये विलायक है और अंदर जो है किशमिश के अंदर गाढ़ा है वो विलयन है। तो देखते हैं कि अब यहाँ जो किशमिश का ऊपरी परत है वो जो होती है क्या है, बाह्य कोशिका परत जो होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। तो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, तो हम लोग परिभाषा पढ़े ही है कि विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर होता है, या विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तो यहाँ तो तनु विलयन तो नहीं है, लेकिन यहाँ विलायक है, जल क्या है विलायक है, और यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली मिल गई जो एक किशमिश है, इसकी बाहरी परत जो होती है इसको बाह्य कोशिका परत कहते हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो धीरे धीरे पानी जो है इसके अंदर आने लगेगा, और अंदर जब पानी आने लगेगा तो धीरे 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 किशमिश जो है फूलने लगेगी। अब और यह प्रक्रिया जो है तब कहलाएगा अंतः परासण, और अंतः परासण प्रक्रिया के द्वारा ही जो एक किशमिश है वो जो है फूल जाती है और फूल करके जो है बड़ी हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि अंतः परासण में किशमिश को जल में डालने पर किशमिश की बाह्य कोशिका परत, ये किशमिश की जो बाहर की परत है इसको बाह्य कोशिका परत कहते हैं, से होकर जल बाहर से जल के अणु अंदर जाते हैं तथा किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल गई, क्योंकि यहाँ पर अंतः परासण की प्रक्रिया हुई और अंतः परासण प्रक्रिया के द्वारा ही किशमिश में धीरे 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 अंदर जल चला गया और किशमिश फूल गई। तो यह प्रक्रिया जो है अंतः परासण का अच्छा उदाहरण है। तो देखते हैं कि अंतः परासण के ही द्वारा किशमिश को अगर
हम लोग जल में रख दें तो कुछ समय के बाद धीरे 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 किशमिश जो होती है वो फूल जाती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, अंतः पराशरण की प्रक्रिया होती है। हाँ स्टूडेंट, ये तो हम लोग पढ़े जो है पराशरण किसे कहते हैं और विषरण किसे कहते हैं और पराशरण कितने प्रकार का होता है। तो पराशरण जो होता है वो तो हम लोग देख लिए, जो है अंतः और बाह्य पराशरण, ये जो है लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप जो है इस तरह से जो है रेगुलर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को हमारे जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको इस तरह के रेगुलर वीडियो प्राप्त होते रहें।